बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। अब हम करने लगे हैं सिक्स का बी पार्ट। अब सिक्स का बी पार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ उसने कुछ डेटा दे रखा है हमें इस तरह से, ठीक है। उसने कहा हमें रिग्रेशन लाइंस फाइंड करने हैं, सॉरी रिग्रेशन लाइन ही फाइंड करनी है कि रिग्रेशन है। 15 बॉयज टू कैन टू एग्जामिनेशन पेपर इन द सेम सब्जेक्ट एंड देयर मार्क्स एज परसेंटेज वर एज फॉलोज, वेयर ईच बॉयज मार्क्स आर इन द सेम कॉलम। कहता है कि हमारे पास जितने भी बॉयज़ थे उनसे दो एग्ज़ाम लिए गए, ठीक है। ये वाला पहला एग्ज़ाम वाले नंबर्स हैं उनके, और ये वाले दूसरे एग्ज़ाम के नंबर हैं। नेक्स्ट हमें कहता है कि कैलकुलेट द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। अब नेक्स्ट भी हमें कुछ पूछ रहा है, लेकिन हम ये बाद में करेंगे। पहले रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स फाइंड करने, वाई ऑन एक्स। अब सबसे पहले तो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर कॉलम, उसके बाद चाहिए एक्स वाई कॉलम। अब यहाँ इनके स्केयर्स भी फाइंड कर लेते हैं हम। यहाँ मैं ऐसे करता हूँ कि वीडियो पॉज करके स्केयर्स फाइंड कर लूँगा, यहाँ एक्स वाई वाले वैल्यूज कर लूँगा फाइंड, और साथ में सम्स भी लिख लूँगा, ठीक है। आपने सम्स भी साथ ही कैलकुलेट कर लेने, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब यहाँ मैं पॉज करके कर लेता हूँ, यहाँ सम्स इनके ये कॉलम भी बना लेता हूँ, सम्स भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप लोग भी साथ साथ कर। ये देखें, यहाँ मैंने दोनों कॉलम्स कैलकुलेट कर लिए हैं, और अब इनका आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने करना है कि यहाँ हमने आ जाना है नेक्स्ट। और इसे करें, ये देख रहे हैं हमने ये जो सम्स कैलकुलेट किए हैं, क्या आप लोगों के भी ऐसे ही हैं, ठीक है। इनको कैलकुलेट करने के बाद आपने बी की यहाँ पहले तो वैल्यू फाइंड करनी है, बी की बी वाई ऑन एक्स फाइंड करना है। एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स इसका स्क्वायर। अब एन हमारे पास कितना है, यह आपने खुद कैलकुलेट कर लेना, बल्कि उसने क्वेश्चन के स्टार्ट में ही हमें मेरा ख्याल बताया हुआ है 15 बॉयज, मतलब 15 लड़के हैं। 82 904 माइनस सिग्मा एक्स जो कि 10 11 है इंटू 12 05। अब यहाँ आ जाना आपने 15 सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 76 79 माइनस सिग्मा एक्स 10 11 स्क्वायर, ठीक है। अब आपने यहाँ बी की वैल्यू कैलकुलेट कैलकुलेटर से करनी है, डायरेक्ट लिख देनी है, कोई लंबा प्रोसेस नहीं करना आप लोगों ने। यहाँ जाएंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 82 904 माइनस 10 11, ठीक है, ये इस तरह से लिखनी है 10 11 मल्टीप्लाई बाई 12 05। प्रेस एंटर करना, ये वैल्यू आ जाएगी, फिर डिवाइड प्रेस करना है, फिर यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करने 15 मल्टीप्लाई बाई 76 79 माइनस, यहाँ जो है पॉइंट के बाद टू डिजिट तक ज़ीरो आ रहे हैं, इसे आपने घबराना नहीं है, 10 11 स्क्वायर। अब स्क्वायर लेके यहाँ मैं एंटर प्रेस करता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के एंटर प्रेस करेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.66। टू डिजिट तक तो 0.66 आ रही है, थ्री डिजिट तक करेंगे तो 0.665 या 4 आ जाएगी, समथिंग आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह एक वैल्यू फाइंड करनी है, आपने कैलकुलेटर को छेड़ना नहीं है। डिवाइड बाय एन सिग्मा वाई की देखना मेरे पास क्या वैल्यू है, 12 05 माइनस बी। अब यहाँ बी की 0.66 भी ले सकते हैं, मैं आंसर ही प्रेस करूँगा कैलकुलेटर से, आपने 0.66 ही यहाँ लिखना है, ठीक है। इंटू सिग्मा एक्स की वैल्यू है 10 11, अब डिवाइड बाय 15। अब यहाँ ए की वैल्यू मैं लिखूँगा, किस तरह से लिखनी है, एसी वाला बटन प्रेस करना है। अब आपने सिग्मा वाई 12 05 माइनस आंसर मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एक्स 10 11 10 11, प्रेस एंटर करते हैं, ये वैल्यू आएगी, डिवाइड बाय 15 करते हैं, ये हमारे पास आ रही है 35.53। उम्मीद है आप लोगों की भी यही वैल्यू आ रही होगी। अब आपने यहाँ आ जाना है, रिग्रेशन लाइन लिख देनी है 35.53
प्लस 0.66x, ये वाली हमारे पास है रिग्रेशन लाइन। अब नेक्स्ट हमने करना है कि दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हर एक में से मिस किया पेपर। अब कई बच्चों को स्टेटमेंट की समझ ही नहीं आ रही होती और टीचर्स भी नहीं बताते। अब यहाँ देखिए, उसने कहा दो बच्चे ऐसे जिन्होंने एक एक पेपर मिस किया। देखिए ये दो बच्चे हैं फर्जी तौर पर, ठीक है, और इनमें से एक बच्चा है कि इसने पेपर वन दिया है, ये वाला एक्स वाला है, और टू नहीं दिया। और ये एक बच्चा जिसने वन टू दिया है और वन नहीं दिया, हो सकता है उनमें वो बीमार होगा। अब एक बच्चा जिसने पहला दिया और दूसरा नहीं दिया, कहते हैं उसके आप नंबर निकाल सकते हैं। और एक बच्चा ऐसा है जिसने दूसरा दिया पहला नहीं दिया, उसके नंबर इनमें से दोनों के निकाल सकते हैं या एक के, और निकालने अपनी रिग्रेशन लाइन से है, दूसरी रिग्रेशन लाइन नहीं पॉइंट कर। अब देखें यहाँ एक्स की वैल्यू ही पुट कर सकते हैं, वाई की कभी नहीं पुट कर सकते, क्योंकि एक्स जो है हमारे पास एक कंट्रोल्ड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है। एक्स की कहते हैं कि एक बच्चा जिसकी पेपर वन में यानी कि एक्स में 63 मार्क्स आए हैं, उसके पेपर टू में कितने आएंगे, ये अंदाज़ा लगाने के लिए भी रिग्रेशन लाइन यूज़ हो सकती है हमारी। प्लस 0.66x, एक्स हमारी आ जाएगा 63। अब कैलकुलेटर पर आ जाएंगे, 35.53 प्लस 0.66 मल्टीप्लाई बाय 63, ये आ रहा 77.11। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 77.11। हम लिखेंगे द बॉय स्कोर्ड 67 इन पेपर वन विल स्कोर, या कहने स्कोर 77.1 या 77 ही लिख दें। ठीक है, ये आपके नंबर जो हैं वो टोटल में ही होते हैं, 77 हो जाएंगे या 78 हो जाएंगे, 77 ही लिख दें। विल स्कोर 77 इन सेकंड पेपर टू। ठीक है, अब इस वाले बच्चे का तो अंदाज़ा हो गया, ये 63 जिसके पहले में थे उसके दूसरे में आ गए 77 आ जाएंगे। हम एडिशनली तौर पर लगा देंगे ये अंदाजे से इतने आ जाएंगे उसके नेक्स्ट पेपर। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर अरे एक बच्चा और है जिसने सेकंड पेपर दिया है और उसके सेकंड पेपर में से 81 है, क्या उसका पहले वाले पेपर का आप निकाल सकते हैं इसी रिग्रेशन लाइन से, फ्रॉम योर रिग्रेशन लाइन जो हमने फाइंड किया। हम कहेंगे नहीं, क्योंकि द बॉय आपने पूरा ये स्टेटमेंट लिखनी है, द बॉय सिक्योर या स्कोर्ड भी लिख सकते हैं, सिक्योर्ड 81 इन पेपर वन, सॉरी पेपर टू में उसने किए थे। वी कैन नेवर एवर एस्टिमेट हिज मार्क्स इन पेपर वन, पेपर वन। ठीक है, ये आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना है। कमेंट, आप अगर न्यू मेंबर है इस चैनल के, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगेबान।